ये दुनिया रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। हाल ही में सुनने में आया कि उत्तर प्रदेश के बांदा शहर के एक मंदिर में हनुमान जी के आंसू निकल रहे हैं, लेकिन ये कोई नई घटना नहीं है या पहली बार सुनने में नहीं आया। किसी देवी या देवता के आंसू निकलना, ये तो चमत्कार होते ही रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भक्तों के लिए भगवान रोते हैं। ये बात सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन ये सच है। ब्रजेश्वरी मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भैरव बाबा की मूर्ति से आंसू निकलते हैं। मान्यताओं के अनुसार भक्तों पर कोई भी दुख मुसीबत आने के पहले ही मंदिर में स्थापित भैरव बाबा की मूर्ति से आंसू निकलने लगते हैं। कहा जाता है कि इससे स्थानीय लोगों को आने वाली परेशानियों का पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है। बज्रेश्वरी देवी मंदिर में स्थापित भैरव बाबा की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिमा 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए दिखते हैं, वो भक्तों के संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना और हवन शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भैरव बाबा भक्तों पर आने वाले संकट को टाल देते हैं। बज्रेश्वरी देवी मंदिर में स्थापित भैरव बाबा की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि साल 1976-77 में इस मूर्ति में आंसू व शरीर से पसीना निकला था। उस समय कांगड़ा बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ था, काफ़ी दुकानें जल गई थीं। उसके बाद से यहाँ ऐसी विपत्ति टालने के लिए हर साल नवंबर और दिसंबर के मध्य में भैरव जयंती मनाई जाती है। उस दौरान यहाँ पाठ, पूजा और हवन किया जाता है। बज्रेश्वरी देवी का मंदिर 10वीं शताब्दी तक बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। इस मंदिर को कई विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा था। सन 1009 में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इस मंदिर में चांदी से बने दरवाजों तक को उखाड़ कर ले गया था। यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को ही 5 बार लूटा था। उसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने इस समृद्ध शक्तिपीठ में लूट मचाई थी और नष्ट कर दिया था। इस मंदिर को कई बार लूटा और तोड़ा गया, लेकिन फिर भी इसे बार बार पुनः स्थापित किया जाता रहा। लोगों का कहना है कि बादशाह अकबर भी यहाँ आए थे, उन्होंने इस मंदिर के पुनः निर्माण में भी सहयोग दिया था। आपको बता दें कि 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, उस भूकंप ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण 1920 में किया गया था। ये वीडियो देखकर आप बज्रेश्वरी मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि बज्रेश्वरी देवी मंदिर पहुंचने के लिए पठानकोट से जोगिंदर नगर जाने वाली लाइट रेलवे से सफ़र किया जा सकता है। पठानकोट से कांगड़ा 3 घंटे का रास्ता है, या फिर आप पंजाब में होशियारपुर से कांगड़ा बस से भी जा सकते हैं। कांगड़ा रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। मंदिर पुराने कांगड़ा शहर के मध्य में स्थित है। आपको ये भी बता दें कि भैरव बाबा की प्रतिमा मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही बाईं तरफ है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक बात और, अगर आपने भी भगवान का कोई चमत्कार देखा है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।